हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्काई फोटो एडिटिंग चैनल। इस चैनल पर जो शॉर्ट ट्यूटोरियल एंड इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग फोटो एडिटिंग लाते रहता हूँ, तो इस चैनल को जो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। एंड आज की इस वीडियो में मैं 3 क्रिएटिव इंस्टा स्टोरी आइडियाज बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड वीडियो को बिना टाइम पास करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। 3, 2, 1 गो। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। एंड यहाँ से जो मैं अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, इंस्टाग्राम ओपन हो जाने के बाद आपको जो इंस्टाग्राम स्टोरी बनाना है, स्टोरी लेना है। एंड ठीक है फ्रेंड्स, एंड यहाँ पर आ जाने के बाद आपको जो फोटो क्लिक कर लेना है, ये फोटो क्लिक हो गया है। एंड यहाँ से हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको जो यहाँ पर ब्रश वाला ऑप्शन पे दिख रहा होगा, उसे आपको जो एक बार क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पास आपको जो बहुत सारे कलर देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ से रेड कलर को मैं लेता हूँ। एंड इस कलर को लेने के बाद आपको जो स्क्रीन पे टैप करना है। एंड आप देख सकते हैं कि पूरा बैकग्राउंड जो हमारा कलर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको जो स्क्रीन पे टैप करना है। एंड स्क्रीन पे टैप करने के बाद आपको जो है यहाँ पर डॉट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। एंड ये हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको जो स्क्रीन पे टैप करना है। एंड यहाँ पर जो हमारा कीबोर्ड जो आ गया है, एंड यहाँ से कीबोर्ड आ जाने के बाद आपको जो इसलिए डॉट को जो ले लेना है, डॉट डॉट करते रहना है। एंड सेकंड वाला पे आ जाना है, नीचे कुछ स्टेप स्पेस देते रहना है। एंड वाइट कलर पे ही रखेंगे। एंड यहाँ से जो डन कर देते हैं, यहाँ से जो डन कर देते हैं, एंड इसे जो रोटेट करेंगे, कुछ इस टाइप से रोटेट कर देने के बाद यहाँ पास फिट कर देना है आपको। एंड यहाँ पास कुछ इस टाइप से फिट कर देना है। एंड इसी पे टैप करना है। एंड इसको जो हम कॉपी कर लेते हैं, इसे जो फुल कॉपी कर लेते हैं, इसे सॉरी सिलेक्ट और करने के बाद इसे जो कॉपी कर लेंगे। एंड यहाँ से डन कर देंगे। ये हो जाने के बाद फ्रेंड्स आप फिर से जो स्क्रीन पर टैप करना है। एंड यहाँ से जो आप कॉपी किए थे इसे यहाँ पास फिर से पेस्ट कर देना है। एंड फिर से जो इसे रोटेट कर देंगे, इस टाइप से रोटेट कर देंगे। एंड ये हो जाने के बाद फ्रेंड फिर से जो है स्क्रीन पर टाइप करना है, जो कॉपी किए थे उसे ले लेना है। बाद आपको जो फिर से स्क्रीन पर टाइप करना है। एंड स्क्रीन पर टाइप करने के बाद आपको जो यहाँ कॉपी के बगल में यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर स्टिकर वाला ऑप्शन, तो उसे जो आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पिन वाला ऑप्शन पे दिख देना है, उसे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ से कैमरा वाले ऑप्शन पे आ देना है। एंड यहाँ पास आ जाने के बाद ये इस फोटो को ले लेना है जिसे आपको एडिट करना है। तो मैं इस फोटो को ले लेता हूँ, कुछ इस टाइप से ले लेना है। एंड कुछ इस टाइप से ले लेने के बाद आपको जिसे हल्का से नीचे की ओर फिट करेंगे, फोटो के साइज के हिसाब से करेंगे इसे क्लिक। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाने के बाद आपको फिर से ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाना है। एंड यहाँ से ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद आपको जो इधर सेलेक्ट करना है कलर वाले को, एंड यहाँ से ब्लैक कलर को ले लेते हैं। एंड यहाँ पास हो जाने के बाद यहाँ पास ब्रश मार देना है इस टाइप से। कुछ इस टाइप से ब्रश मार देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं इरेज वाला ऑप्शन है, तो यहाँ से हम इरेज भी कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। एंड इरेज हो जाने के बाद आपको जो इसे हमको वापस करना है, तो यहाँ पर साइड में सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे एक बार क्लिक कर देना है, यानी वापस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाने के बाद यहाँ फर्स्ट वाले सेकेंड वाले पे आना है ब्रश। एंड यहाँ से जो ब्रश मार देना है, आ जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पास कलर वाले ऑप्शन पे आ देना है। यहाँ से आप कोई सा भी एक कलर को ले सकते हो। एंड इस वाले कलर को लेने के बाद आपको जो बीस वाले पे मार देना है यहाँ पर इस टाइप से। जाने के बाद आपको जो डन कर देना है। एंड यहाँ से डन करने के बाद आपको स्क्रीन पर फिर से टाइप करना है, नीचे की ओर फिर टाइप करना है। एंड यहाँ से जो न्यू लिख देते हैं, न्यू। एंड यहाँ से जो फॉन्ट हम चेक कर लेते हैं, इस वाले को रखेंगे, इस टाइप से जूम करेंगे। एंड साइड में यहाँ पास फिट कर देंगे। एंड पोस्ट लिखेंगे।
पोस्ट। एंड सेकेंड स्टोरी एड्रेस पे आना है, यहाँ से जो फोटो फिर से क्लिक कर लेंगे आपस, यहाँ पास फोटो को क्लिक कर लेंगे। एंड फोटो को क्लिक कर लेने के बाद आपको पता है कि पहले ब्रश वाले ऑप्शन पे आना है। एंड यहाँ से जो बैकग्राउंड का कलर आपको जो पसंद है वो वाले कलर को रखना है। एंड स्क्रीन पे जो टैप करना है एक बार टैप करना है इस टाइप से। एंड ये हो जाने के बाद यहाँ से डन कर देना है। एंड डन करने के बाद स्क्रीन पे एक बार फिर से टैप करना है। एंड यहाँ से एक डॉट को लेना है। एंड ऑटो बॉक्स को ओपन कर देना है। एंड फॉन्ट जो दिख रहा है उसे आपको लास्ट वाले फॉन्ट पे रखना है। इसे जूम कर देते हैं। एंड स्पेस देते रहना है, स्पेस कुछ इस टाइप से देते रहना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। डन कर देना है। एंड इसे जो कुछ इस टाइप से यहाँ पास फिट करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। एंड इसी को टाइप करेंगे। एंड यहाँ से जो फुल कॉपी कर लेना है, इसे भी इस टाइप से सिलेक्ट और पे आना है। एंड यहाँ से फोटो को फिर से कॉपी कर लेना है, सॉरी डॉट को। एंड यहाँ से कुछ इस टाइप से फिट कर देना है। एंड ये हो जाने के बाद फिर से स्क्रीन पर टाइप करना है, इन जो डॉट को लिए थे उसे फिर से वापस कर लेना है। एंड ऑटो बॉक्स को ओपन कर लेना है। एंड इसे जो जूम कर देते हैं एंड इस टाइप से फिट कर देना है। ओके फ्रेंड्स, ये हो जाने के बाद आपको जो यहाँ पर साइड में जो टैप करना है स्क्रीन पे, एक बार स्क्रीन पे टैप करना है। एंड यहाँ से जो डॉट कर लेना है एंड ऑटो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। एंड कलर जो हम वाइट रखते हैं वाइट रख लेंगे। एंड इसे जो स्पेस देते रहना है। हो जाने के बाद यहाँ से फिर से कुछ इस टाइप से कर देना है। एंड ये हो जाने के बाद फिर से फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर टैप करना है साइड में। एंड यहाँ से स्टिकर वाले ऑप्शन पर आ देना है। एंड यहाँ से पिन वाले ऑप्शन पर आ देना है। एंड यहाँ से जो फोटो ले लेते हैं हमें जो इसे बनाना है, तो इसलिए को मैं इसलिए फोटो में ले लेता हूँ। एंड यहाँ से डन करता हूँ। एंड कुछ इस टाइप से जो इसे फिट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ इस टाइप से फिट कर देने के बाद यहाँ से इस साइड में जो स्क्रीन पर टाइप करना है। एंड यहाँ से जो फिर से न्यू लिखेंगे, कलर ले लेना है न्यू। एंड तीसरा स्टोरी के लिए भी हम फोटो क्लिक कर लेते हैं। एंड इसलिए फोटो क्लिक कर लेने के बाद आपको जो इस ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाना है। एंड यहाँ से कोई से भी एक कलर को ले लेना है, तो ओके ना फ्रेंड्स, तो मैं इस वाले कलर को ले लेता हूँ। एंड स्क्रीन पे टैप करके रखना है। एंड डन कर देते हैं यहाँ से। एंड स्क्रीन पे टैप करना है। एंड यहाँ से जो एक डॉट ले लेना है। एंड ऑटो बॉक्स को ओपन कर देना है। एंड इसे स्पेस देते रहना है इस टाइप से, कुछ इस टाइप से स्पेस देते रहना है। एंड कुछ इस टाइप से हो जाने के बाद यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इस टाइप से फॉन्ट को। एंड ये लास्ट वाला को रखना है। एंड स्पेस देते रहना है। एंड ये हो जाने के बाद आपको जो व्हाइट वाले कलर को रख लेना है, यहाँ से व्हाइट वाले कलर को ले लेते हैं। एंड इसे डन करेंगे। एंड कुछ इस टाइप से फिट कर देना है, ओके फ्रेंड्स। एंड यहाँ से कुछ इस टाइप से हल्का सा फिट कर देंगे, ओके फ्रेंड्स। एंड ये हो जाने के बाद स्क्रीन पर टाइप करना है। एंड यहाँ से जो हम स्टिकर वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। एंड यहाँ से इस फोटो को ले लेना है जिसे हम एडिट करना चाहते हैं, तो मैं इस वाले फोटो को ले लेता हूँ। एंड इस वाले फोटो को ले लेने के बाद कुछ इस टाइप से फिट कर देना है, हल्का सा जूम करके कुछ इस टाइप से, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस टाइप से फिट कर देना है। एंड ये हो जाने के बाद आपको फिर से ब्रश वाले ऑप्शन पे आना है। एंड यहाँ से जो व्हाइट कलर को ले लेते हैं। एंड फर्स्ट वाला ब्रश को लेना है। एंड यहाँ से आपको स्वाइप वाला दिख रहा होगा। एंड इसे जो हल्का सा लो कर देंगे, व्हाइट कलर ले लेना है। एंड यहाँ से डिजाइनिंग कुछ इस टाइप से दे देना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। कुछ इस टाइप से डिजाइन दे देते हैं। एंड इस वाले को ब्रश बड़ा कर देते हैं। एंड इस टाइप से जो कुछ दे देना है, इस टाइप से फूल कर देते हैं। एंड ये हो जाने के बाद इस वाले ब्रश पे आ जाना है। एंड इसे जो छोटा करेंगे एंड व्हाइट कलर भी रखेंगे इस टाइप से, कुछ बीच बीच में गैप दे देना है। एंड डन कर देना है। एंड यहाँ से स्टिकर वाले ऑप्शन पर आना है। एंड यहाँ से न्यू पोस्ट लिख देना है, न्यू पोस्ट। एंड यहाँ से कोई सा भी ले लेना है। एंड यहाँ पर जो कुछ स्टाफ से फिट कर देना है। एंड फिट कर देने के बाद इसे जो सेव कर लेते हैं।